सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी केवल समाचार नहीं सुनाता, केवल चिंतन था, कुछ इतिहास से वह लाता है जो सुन के सचमुच हतप्रभ हो जाते हैं। हम और आप सादर जैनत करते हैं आज की 8 बजे आपके पास शुरुआत। कुछ समय पहले शिखर जी के आंदोलन के समय की बात कर रहे हैं, जब देश की शीर्ष कमेटियां चली थी पैदल मार्च करते हुए रफी मार्च से संसद भवन की ओर। चैनल महालक्ष्मी टीम भी गई थी और तब जाते जाते उसकी चारों तरफ नजर घूम रही थी। एक मूर्ति संसद भवन के सामने पहुंचे तो एक मूर्ति घुड़सवार के ऊपर एक महिला की रानी की देखकर रुक गई, ठिटक गई थी। सोचा हाँ रानी लक्ष्मीबाई की फोटो होगी, लेकिन अब वहां पहुंचे तो कुछ और मिला और उस इतिहास को खोजते खोजते आज आपके बीच में लेकर आए हैं वह इतिहास जो आप में से अधिकांश नहीं जानते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी, खूब याद है, बच्चों को पढ़ाया गया हर बोलो के मुख सुनी हमने कहानी थी, और कई कविताएं के रूप में, कहानियों के रूप में, कॉमिकों के रूप में यह सुनते आए हैं, पर आज उसे हम 33 साल पहले का इतिहास बताने आए हैं। आज उसके बारे में बता रहे हैं, उस रानी के बारे में बात कर रहे हैं, उस महारानी के बारे में बात कर रहे हैं जो 1857 से भी 33 साल पहले 1824 के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ खड़ी हो गई थी तलवार लेकर, तोपों के सामने, बंदों के सामने, जिसने एक बार करके अंग्रेजों को हरा दिया था। आपने शायद वह इतिहास नहीं जाना होगा, किताबें बहुत पढ़ लिया रानी लक्ष्मी और देख लिया, जगह जगह नाम है उनकी, जगह जगह नगर है झांसी के अंदर, पूरी पहचान नहीं पूरे देश में जाने, पर आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में है ना बेलगामी जिला, आज की तारीख में वहां पर काकती गांव की बात कर रहे हैं हम। 1778 में जन्मी थी चेनम्मा, पता है किसके यहां, जैन परिवार, जैन देसाई परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, और जन्मी थी। बचपन से ही पिताजी ने उसे घुड़सवारी सिखा दी, किसी तरीके से बांधते हुए तालाब पार करने हैं, नाले पार करने हैं, पत्थर पार करने हैं, पहाड़ों पर चढ़ना है, तलवारबाजी सिखा दी थी कि कैसे। वह जब किसी बचपन में लड़ती थी ना तो वह आके महिलाओं से नहीं बड़े बड़े पुरुषों के सामने तलवार लेके खड़ी होती थी और हैरान होते थे, एक एक के साथ चार चार को थाड़ करके हरा देती थी। यही नहीं, तीरंदाजी में उसके निशाने बेतोड़ थे, दूर दूर तक जब तीर फेंकती थी तो कहाँ जाके निशान पड़ता था, हर कोई उंगली दबाता था। और यही कारण था मात्र 15 साल की थी कि तब के वहां के राजा, चित्तूर के राजा की इन पर नजर पड़ी, बस कर लिया विवाह इनके गुण को देखकर, हैरान हो गए इसके गुणों को देखकर, यानी 15 साल की तब छोटे ही उम्र में विवाह हो जाते थे। महारानी बन गई चित्तूर की एक गांव की जैन बालिका अपने योद्धा बल के कारण, और कहते हैं चंद वर्षों के अंदर ही उसने पूरे पूरे शहर को, पूरे पूरे गांव को, पूरे पूरे साम्राज्य को अपने कौश बल से हैरान से दिखा दिया। बड़े बड़े महारथी उनके आगे पानी पीते थे, आज हालत यह कर दी थी उसने घुड़सवारी के अंदर, तलवारबाजी के अंदर और तीरंदाजी के अंदर। लिंगायत संप्रदाय के राजा मल्ल सरजा से विवाह हो गया था, वो खुशहाल चल रहा था। इतने दिनों में वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में गोवा आदि से पैर पसारने शुरू कर दिए थे। 1816 का वह वर्ष आया, सचमुच उसके लिए सब कुछ अमावस बन गया। पति महाराजा की मृत्यु हो गई, बेटे को बिठाया उन्होंने, पर कहते हैं कि 5/6/1824 के अंदर बेटे की भी मृत्यु हो गई। एकदम शोक की लहर टूट गई, पहाड़ टूट गया उसके ऊपर, अब क्या करे। उसने तुरंत एक दुत्तक पुत्र को, यानी एक को गोद लिया, शिवलिंग पक को गोद लिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, अंग्रेजों तक पहुंच गई, मुंबई तक पहुंच गई खबर, मद्रास तक पहुंच गई। अच्छा, और वहां पर एक उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने एक नियम चला रखा था, कानून था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, जानते हैं क्या था। इसी के कारण रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, इसी के कारण बहुत जगह लड़ाई हुई थी, बहुत महारानियां इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से, शायद आप नहीं जानते हैं, मतलब जानते नहीं है, बाकी सब जानते होंगे, यानी दत्तक पुत्र, यानी जब राजा की मृत्यु हो जाए, उसके कोई पुत्र ना हो, या पुत्र हो वह भी मर जाए, यानी अब कोई महिलाएं हो, राजा कोई ना हो, तो तुरंत उसका सत्ता है हड़प ली जाए, वह सारी के सारी उसकी संपत्ति, गहने, जमीन, सब कुछ वह ईस्ट इंडिया कंपनी की झोली में आ जाए। यह ऐसा कानून मान लिया था जिसके अगेंस्ट में यहां भी यही चलाया, वहां भी खबर दे दी गई रानी चेनम्मा के पास के चित्तूर का पर अब अंग्रेजों की हुकूमत चलेगी, यह सारी 15 लाख के गहने थे उस समय उनके पास, सब कब्जा लेगी। उसने पत्र लिखे, मुंबई भी पत्र लिखा, गवर्नर को पत्र लिखा, पर सब ने जैसे उनके कान, वो तो था ही, उनके मकसद यही था कि हम जैनों पर नहीं, हमारे भारतीयों पर ही कब्जे करना, क्रूर प्रहार करके ऐन साम दंड में से किसी तरह उनको लूटो।
20,000 लोगों की पैदल सेना, 400 बंदूकधारी भेज दिए गए चित्तूर पर आक्रमण करने के लिए। वह फौलाद की तरह आगे बढ़ती रही रानी चेन्नम्मा नहीं रुकी और कह दिया, तुम मेरे पीछे चलो, आज मैं नेतृत्व करूंगी उन अंग्रेजों के सामने। हैरान हो जाएंगे आप, अंग्रेजों के सामने कोई जीत पाया है? 20,000 पैदल सेना 400 बंदूक वालों के सामने तलवार लेके खड़ी थी, और जानते हैं एक एक तलवार जब चलती थी 10-10 सर एक बार में कट जाते थे, चूर चूर जाते थे। अंग्रेजों की सेना को भगाने वाली अगर पहली महारानी देश में हुई तो वह रानी चेन्नम्मा थी। पहले स्वतंत्र संग्राम 1857 से भी 33 साल पहले 1824 के अंदर, आज इतिहास ये नहीं जानता है, हम में से कोई नहीं जानता है कि असल में लड़ाई जो लड़ी वह तो रानी चेन्नम्मा ने, खट्टे कर दिए थे दांत अंग्रेजों के। हैरान हो गए, बाद में तय किया, बाद में आए समझौता करने आए, कहते हम तुम्हारे जितने बंधक बने हैं सब छोड़ देंगे, हम सब माफी चाहते हैं। शांत होने लगी, पर उसे नहीं मालूम था यह पीठ में छुरा घोपने की चाल हो रही है। समय लिया जा रहा है खदेड़ने से पहले अंग्रेजों को एक मौका देने के लिए। अंग्रेजों ने पूरा हुंग न कर ली, अब उसने 10 गुना सेना भेजी। रानी चेन्नम्मा समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे जयचंद हमारे देश में तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहते हैं। उस समय भी उसके 2 जयचंद थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर उसे पकड़वा दिया, कारावास में डाल दिया गया उसको उम्र भर के लिए। ऐसे जयचंदों के कारण ही आज हमारा देश गुलाम बना था, चाहे वो आतिताइयों के सामने या अंग्रेजों के सामने। अपने ही पेट में से निकालने वाला जब अपनी थाली में से कोई छेद करता है तो नुकसान उस थाली वाले को होता है, वही रानी चेन्नम्मा का हुआ। उसके जो साथ के लोग थे, उसका जो गोद दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया, फांसी दे दी गई उसको भी, और साथ में उसको साथ से पाशा जो थे उसके बहादुर सैनिक उनको भी पकड़ लिया गया। हार गई वह आखिरी लड़ाई और जेल में कर दिया गया। अंतिम समय उसका जेल में गुजरा और फिर उसका वहीं पर देहांत हो गया। क्षत्रिय रानी चेन्नम्मा, जिसने पहली स्वतंत्रता सेनानी, वास्तव में वही थी 1824, जी हाँ 1857 नहीं, उससे भी 33 साल पहले 1824, जिसको अब लगभग 200 साल होने वाले हैं। कभी याद करिएगा उसके बारे में, उसके बारे में कुछ इतिहास ऐसा है, अनोखा है, क्षत्रिय कर्म होने का है। 11 सितंबर 2007, हाँ तत्कालीन राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा पाटिल जी ने तब इस मूर्ति का संसद भवन के सामने अनावरण किया था, याद दिलाने के लिए कि इनको याद करो। पर वह मूर्ति एक यहाँ, एक बेंगलुरु में भी है, एक उनके बेलगावी में भी है, सर्कल है ना वहाँ पर है। लेकिन हम में से कितने लोगों को इस बारे में पढ़ाया जाता है, समझाता है, इतिहास को दोहराता है। हम सब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, पर चित्तूर की रानी चेन्नम्मा जो एक जैन देसाई की महारानी थी, उसको कौन जानता है और कौन बताता है? केवल इसलिए नहीं बताते, क्या वह जैन थी? वह एक अल्पसंख्यक समाज से थी, क्या इसलिए बताते? आज शायद कुछ इसी तरह का इतिहास है, जो जैनों की वीरांगनाओं के बारे में हम चुप रह जाते हैं, कहते हैं इनमें कौन आया है? ऐसी क्षत्रिय जो पहली महिला महारानी थी, जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया और उनको हरा दिया था। हाँ, आज भी अक्टूबर में कित्तूर महोत्सव होता है कर्नाटक में, उसमें जरूर उनको याद किया जाता है, 3 दिन का उत्सव होता है उसमें जरूर। एक बात और है, इनकी ऐतिहासिक तलवार अंग्रेज ले गए अपने यहाँ म्यूजियम में। बार बार अपील की जाती है कर्नाटक द्वारा कि उस तलवार को वापस दिया जाए, वह गौरव हमारा है, पर अभी तक वह वहाँ कह देते हैं हमारे पे नहीं है, जबकि कहा जाता है कि वह यहाँ से लेकर चले गए थे। उस पर भी समाज को आवाज़ उठानी चाहिए, अपने इतिहास को यार, हमारे जैन समाज भी ऐसी वीरांगनाएं हैं, कभी इनके बारे में हमने चिंतन किया है? कभी किसी समाज को बताया है कि अगर 1857 का पहला कदर हुआ था तो उससे भी 33 साल पहले एक जैन महारानी ने भी अपना जो दिखाया था जज्बा, जिसके सामने पहली बार अंग्रेजों को किसी महारानी हार दी थी, तो वह रानी चेन्नम्मा जैन थी। सादर जय जिनेन्द्र।